दुनिया के 10 रहस्यमयी खजाने। दुनिया भर में कई गुप्त और रहस्यमयी खजाने हैं जिन्हें कोई भी आज तक ढूंढ नहीं पाया। बावजूद इसके लोगों की कोशिशों में कमी नहीं हुई है। इन खजानों में सोने, चांदी और कीमती जेवरात हैं। और खास बात यह है कि इन खजानों को ढूंढते ढूंढते हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया के ऐसे ही 10 रहस्यमयी खजानों के बारे में। एल डोराडो का खजाना। एल डोराडो के खजाने को खोजने में हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कहा जाता है कि ये खजाना कोलंबिया के ग्वाटावेटा झील में दफन है। इस झील की पूरी तली में सोना फैला हुआ है। दरअसल सैकड़ों साल पहले यहाँ के चित्पा आदिवासी सूर्य की आराधना करते हुए बहुत सा सोना झील में फेंकते थे। कई सालों तक ऐसा करते रहने के कारण इस झील की तली में बड़ी मात्रा में सोना इकट्ठा हो गया था। इस खजाने को पाने के लिए स्पैनिश लुटेरे फ्रांसिस्को पिजारो ने भी काफी कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। इसके अलावा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान लगभग पूरा कोलंबिया ही इस खजाने की तलाश में रहा, लेकिन आज तक वो खजाना किसी को नहीं मिला। कावेंगा पास का खजाना। इस खजाने का इतिहास बेहद ही दिलचस्प है। सन 1864 में मेक्सिको के राष्ट्रपति बेनिटो ने अपने कुछ सैनिकों के साथ खजाने को सैन फ्रांसिस्को भेजा था, लेकिन बीच रास्ते में ही गड़बड़ हो गई और एक सैनिक की मौत हो गई। बाकी के 3 सैनिकों ने खजाने को रास्ते में ही जमीन में गाड़ दिया। कहा जाता है कि ऐसा करते हुए एक व्यक्ति डिएगो मोरेना ने उन्हें देख लिया। सैनिकों के जाने के बाद डिएगो ने उस खजाने को वहां से निकालकर पास ही की एक पहाड़ी के ऊपर गाड़ दिया, लेकिन उसी रात डिएगो की भी मृत्यु हो गई। अपनी मौत से पहले वह राज अपने दोस्त को बता गया था। बाद में 1885 में बॉस शेफर्ड नाम के एक व्यक्ति को इस खजाने का थोड़ा बहुत हिस्सा मिल गया। वह इस खजाने को स्पेन ले जा रहा था, तभी समुद्र में खजाना डूब गया और अब तक यह खजाना किसी के भी हाथ नहीं लगा। इनका सिविलाइजेशन का खजाना। कहते हैं कि जितना सोना अमेरिका बैंक के पास है, उससे कहीं ज्यादा इनका लोगों के पास था, जो उन्होंने करीब 400 साल पहले स्पैनिश लुटेरे फ्रांसिस्को पिजारो से बचने के लिए वहां एक ज्वालामुखी की तलहटी में डाल दिया। इस खजाने की तलाश में अब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन इसका कोई पता नहीं चला। चिंगेज खान का खजाना। चिंगेज खान मंगोल साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध और सबसे महान योद्धा थे, जिसने उस समय लगभग पूरे विश्व को जीत लिया था। और कहा यह जाता है कि जब 1227 में चंगेज खान की मृत्यु हुई तो उनका पूरा का पूरा खजाना उन्हीं के साथ एक अज्ञात मकबरे में दफना दिया गया था। हालांकि माना यह जाता है कि इस खजाने की तलाश में आज तक जो भी गया वो कभी वापस लौट के नहीं आया। लियोन त्रिबुको का खजाना। साल 1930 में अमेरिका की मंदी का दौरा चल रहा था और अमेरिकी सरकार को सोने की सख्त जरूरत थी। ऐसे में सोने के दाम आसमान छू रहे थे और उसी दौरान मेक्सिको के खरबपति व्यापारी लियोन त्रिबुको ने न्यू मेक्सिको के रेगिस्तान के ऊपर कई बार उड़ाने भरी। इस खरबपति व्यापारी ने अपने कई मित्रों के साथ मिलकर अवैध सोने का भंडार इस रेगिस्तान में कहीं छुपाया था, जो लगभग 16 टन था। और ये सब इसी उम्मीद में थे कि जल्दी ही सोने का दाम और बढ़ेगा और तभी वो इस सोने की तस्करी के द्वारा अंतहा पैसा कमा सकते थे। लेकिन तभी अमेरिकी सरकार ने ऐतिहासिक बिल पास किया, जिसमें तय किया गया था कि सोने का निजी मालिकाना हक समाप्त करा जाए। ऐसे में इस खजाने को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया गया। हालांकि इस बिल को बाद में हटाया गया, लेकिन तब तक लियोन और उसके साथियों की मौत हो चुकी थी और इसके चलते खजाने का आज तक पता नहीं लग पाया। ओक आइलैंड का खजाना। 1795 में ओक आइलैंड में कुछ बच्चों को नोवा स्कोटिया के पास एक छोटे से द्वीप पर कुछ रहस्यमय रोशनी दिखाई दी। जब बच्चे वहां पहुंचे तब उन्हें एक ताजा काफी बड़ा खुदा हुआ गड्ढा दिखा, और जब उन बच्चों ने उस गड्ढे की और खुदाई करी तो अंदर उसमें एक नारियल का खोल, लकड़ी और एक पत्थर का टुकड़ा मिला। पत्थर के टुकड़े पर लिखा था, 40 फीट नीचे 2 मिलियन पाउंड दफन है। इस खजाने की बाद में कई लोगों ने खोज की। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने इस खजाने को ढूंढा, हालांकि तब वे राष्ट्रपति नहीं थे, लेकिन अब तक ये खजाना नहीं मिल पाया है। अपाचे लोगों का खजाना। इस खजाने के बारे में ये कहा जाता है कि एक बार अपाचे लोगों ने सोने और चांदी के सिक्कों से भरी हुई ट्रेन के एक डब्बे पर धावा बोला और उसे लूट लिया। इस डिब्बे को एरिजोना में विंचेस्टर माउंटेन में कहीं छुपा दिया गया। अपाचे लोगों की इस डकैती के बारे में तब की कई रिपोर्टों में मामला दर्ज है। काफी लोगों ने इस खजाने को उसके बाद ढूंढने की कोशिश करी, पर आज तक उस खजाने का कोई पता नहीं लगा। और इस खजाने को ढूंढने के चक्कर में एरिजोना के रेगिस्तान में कई लोगों ने अपनी जान दे दी। द एम्बर रूम।
द एम्बर रूम सोने का बना एक कमरा नुमा चैम्बर था जिसका निर्माण 1707 में पर्शिया में हुआ था। द एम्बर रूम के अंदर पूरा काम सोने का था। इसे कुछ लोग विश्व का आठवां आश्चर्य भी कहते हैं। यह रूस और पर्शिया के बीच में शांति संवेद का उत्सव के दौरान 1718 में पीटर द ग्रेट को गिफ्ट के तौर में मिला था। तब ये एम्बर रूम रूस में ही था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1941 में नाजियों ने इस पे कब्जा कर लिया था और इसे सुरक्षित करने के लिए अलग अलग भागों में बांट दिया। इन सभी टुकड़ों को 1943 में एक म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया, जहां से यह पूरा का पूरा एम्बर रूम गायब हो गया। तब से इस खजाने का आज तक किसी को भी पता नहीं चला है। द लाइट्स डचमैन माइन। एक सोने की खदान अमरीका के साउथ वेस्टर्न इलाके में है। माना जाता है कि यह सुपरस्टिशन माउंटेन में कहीं है। यह एरिजोना में ईस्ट फीनिक्स के पास अपाचियन जंक्शन के पास है। यहाँ की अपाचियन जनजातियां के बीच यह मान्यता है कि उनका देवता किसी को भी इस खजाने के पास नहीं जाने देता। स्पेन के फ्रांसिस्को वास्को डी कोरोनाडो ने जब इस खजाने को खोजने की कोशिश की तो कई लोगों की मौत होने लगी और उनकी लाशों के ढेर लग गए। 1845 में डॉन मिगुएल पेराल्टा को कुछ सोना मिला, लेकिन स्थानीय अपाची आदिवासियों ने उनकी हत्या कर दी और उस पूरे सोने को इस इलाके में बिखेर दिया और खदान के प्रवेश का द्वार नष्ट कर दिया। इस गोल्ड माइन की तलाश में 2009 में डेनवर के जेसी केपन ने अभियान छेड़ा था, लेकिन 2012 में सिर्फ उनका शव प्राप्त हुआ। चार्ल्स आइलैंड का खजाना। अमेरिका में मिलफोर्ड्स के पास एक छोटा सा द्वीप है। इस द्वीप को शापित माना जाता है। मेक्सिको के सम्राट ग्वाटामोजिन का धन 1721 में चोरी हो गया था और उसे यहाँ मल्लाहों ने छिपा दिया था। 1850 में यहाँ कुछ लोग खजाने की तलाश में पहुंचे तो उनकी एक एक करके मौत हो गई। यहाँ पर आज तक किसी को खजाना नहीं मिल सका है और इतने सालों में यहाँ पे कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।